तो आज हम हल्क को अपग्रेड करने वाले हैं सबसे खतरनाक वाले हल्क में, पर क्या वो काफी रहेगा आइस गॉडज़िला को हराने में? चलो यार देखते हैं। तो यार आज मैंने ठान लिया है उस गॉडज़िला को मैं हरा के रहूंगा, पर सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं हो चुका हूँ बहुत ही ज्यादा कमजोर। मेरी सारी सारी मसल जा चुकी है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। जैसे मैं भागता हूँ मेरी सारी सारी हड्डियां हिलने लग जाती है, इसलिए मैं आया हूँ लॉस सैंटोस के मसल जिम में। और यहाँ पे मैं बहुत सारी एक्सरसाइज कर करके वापिस से बहुत खतरनाक हल्क बनूंगा और उस गॉडज़िला को हराऊंगा। अभी मैं पुशअप्स करूंगा, इससे तो कुछ फर्क नहीं हो रहा, चलो थोड़े सिटअप्स कर लेते हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा हमारी बॉडी पे? अरे कुछ नहीं हो रहा। ए चिरकुट, ये जिम तेरे लिए नहीं है, निकल जाए यहाँ से। तूने मुझे चिरकुट बोला? ये ले खा मुक्का, आया ना मजा। एक सेकंड, मुझे एक स्ट्रेंथ पॉइंट मिला, क्या मुझे इससे अपनी स्ट्रेंथ वापस मिल सकती है? अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये ले एक और स्ट्रेंथ पॉइंट, अभी सबको मारूंगा। ये एक और स्ट्रेंथ पॉइंट, अबे रुक जा। ए पीली टी-शर्ट रुकना, ए आंटी हटो ना। और ये एक और स्ट्रेंथ पॉइंट, ए पीली टी-शर्ट को मारा, एक और स्ट्रेंथ पॉइंट। वो ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हुआ? मेरे अंदर एकदम से मुझे शक्ति महसूस हो रही है, मैं देख सकता हूँ भाई कितना ज्यादा ऊपर छलांगे मार रहा हूँ। भाई मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ जा रहे हैं। पहले तो मैं नॉर्मल पंच मारा था, अब इसको पंच मारते, और ये कितना ज्यादा दूर गया, चलो इसको भी पंच मारते। ये भाई साहब कितना ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मुझे लगता है इससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो मुझे थोड़ी सी तबाही करनी चाहिए ताकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ वापस से मिल सके। तो चलो यार कहीं पे तबाही करते हैं। ए हटो यहाँ से। तो यार स्ट्रेंथ है अपनी यार रेड कलर की, तो और रेड कलर का यार सब्सक्राइब बटन भी है, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दो। जितना सब्सक्राइब का बटन दबेगा उतनी ज्यादा मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी। ओ मुझे पावर फील हो रही है, मुझे पावर फील है। ओ भाई साहब ये क्यों हो गया मुझे? अबे भाई मेरी बॉडी कितनी इंप्रूव हो गई, मेरी यार मसल्स बन चुकी है। अब देखो मैं इस कार को भी आराम से उठा पा रहा हूँ, और इसको मैंने उठा के फेंक भी दिया। भाई साहब मेरी मसल्स ने बहुत इंप्रूव करी, मेरी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये मुक्का का इस कार को भी उठा के यहाँ से बहुत दूर फेंकूंगा, और ये फेंक दिया। अबे ए बच्चे, अबे मेरे को गोली मार रहा है, निकल यहाँ से। अब दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा जंप मार सकता हूँ, और ये भाई साहब इतना ऊपर जंप, और ये सीधा रोड पे बहुत तेज मुक्का मारेंगे भाई साहब। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ भी अपनी और भी स्ट्रेंथ बढ़ाने, सारी की सारी गाड़ियों को मारूंगा। एक सेकंड, इन गाड़ियों को मारने से मुझे थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, अगर मैं इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ मारूंगा तो मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी? आओ पता करते हैं। यहाँ से बहुत ऊपर जाऊंगा और सीधा इन सारी सारी गाड़ियों के ऊपर कूदने वाला हूँ, और ये बूम, भाई साहब सारी की सारी गाड़ियां हवा में उड़ रही है और मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ भी मिल गई। स्टार्टिंग में आपको याद होगा मैं कैसा दिख रहा था, अब देखो भाई मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। भाई कितना तगड़ी मेरी मसल्स बन चुकी है, और मुझे एक सूट भी मिल गया अच्छा सा। पर ये सब यार आइस गॉडज़िला को हराने के लिए काफी नहीं है, मुझे यार बहुत सारी स्ट्रेंथ एक साथ चाहिए होगी। मैं तुम्हें 1500 स्ट्रेंथ एक ही बार में दूंगा, पर तुम्हें मेरे सारे के सारे ड्रोन्स को खत्म करना पड़ेगा। रोबोट्स अटैक। अबे मुझे लगा था 4-5 होंगे, अबे यहाँ पे तो बहुत सारे। पर एक सेकंड, मेरे पास एक बहुत ही बड़ी आइडिया है, इस कार को मैंने अभी उठा लिया और ये इनके ऊपर फेंकूंगा, और ये बूम, भाई साहब इन सबको आग लगाते, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये लो सारे के सारे रोबोट को मारूंगा मैं। अबे हटो, अबे इन्होंने तो मुझे अटका लिया बीच में। ये लो निकलो सारे के सारे। देखो भाई कितनी तेज मैंने मारा, और आधे जनों पे तो आग ही लग गई। मैंने अपना दिमाग लगे उस गाड़ी को इनके ऊपर फेंका तो सीधे सीधे आग ही लग गई। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे आयरन मैन रोबोट्स को यहाँ पे मार दिया। भाई क्या ही मारा है मैं इनको। रुको यहाँ पे एक दो और बचे, इन सबको भी मार लेते। भाई मेरे पे गोलियां चल रही है, भाई गोलियों से मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा अब तो। मेरे को गोली मतलब ऐसे गुलगुली हो रही है, मतलब यार क्या ही बोलूं मैं। इन सबको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, और ये लास्ट मूव मारता है, येलो, और ये सभी के सभी खत्म हो चुके। अब ये चिरकुट लोग बचे, अबे निकलो ना यहाँ से, अब मुझे 1500 स्ट्रेंथ मिलने वाली, तो मजा आएगा। देखते हम फिर यार कैसा लगने वाले, तो अभी इनको फटाफट से मैं खत्म करता हूँ। और हाँ गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जाके लिख दो यार हल्क ओपी, ताकि मुझे स्ट्रेंथ जो मिले वो और भी अच्छी अच्छी मिले। और ये भाई साहब दोनों को दोनों गाड़ियां फूट गई, वो कितना ज्यादा दूर थी फिर भी मेरी पावर से वो गाड़ियां फूट चुकी है। तो गाइस अभी मुझे यार अलग ही लेवल की हल्की शक्तियां मिल चुकी हैं। इस ट्रक को देखो मैं आराम से उठा ले पा रहा हूँ, पहले मैं कार उठा पा रहा था बस, पर अब मैं ट्रक भी उठा पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एयरपोर्ट जाए, शायद वहां पर जाके देखते क्या हम बड़े बड़े प्लेन उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा वाला प्लेन है, इसको उठाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं इसके पास जाता हूँ, इसको फटाफट से उठा लेता हूँ। अरे भाई ये तो उठी नहीं ना, ये तो बहुत ज्यादा भारी है। ओके तो मैंने अपना गोल
सेट कर लिया है। इस दिन के एंड तक मैं इतना ज्यादा खतरनाक हल्क बनूंगा कि इस बड़े वाले प्लेन को भी उठा के दिखाऊंगा। ये छोटा वाला प्लेन तो मैंने आराम से उठा लिया, मुझे उस बड़े वाले प्लेन को उठाना है और फिर ही मैं उस यार आइस गॉडज़िला से लड़ पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे और भी तगड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो थोड़ी तबाही मचाते हैं और स्ट्रेंथ अपने पास करते हैं। ये प्लेन तो मेरे टच करते ही फूट गया और ये ले साइड साइड तबाह कर दूंगा। मुझे बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं उस बड़े वाले प्लेन को भी उठा सकूं। मुझे पता है मुझे कहां जाना है स्ट्रेंथ जमा करने। तो गाइस यार अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मिलिट्री बेस पर, यहाँ पे यार ये जो प्लेन है सबको मैं फोड़ने वाला हूँ ताकि मुझे तगड़ी तगड़ी स्ट्रेंथ मिल सके। जैसे जैसे मुझे स्ट्रेंथ मिलेगी मेरी पावर्स बढ़ेगी, उससे मैं वो कार्गो प्लेन मतलब जो सबसे बड़ा प्लेन है उसको उठा पाऊंगा, फिर मैं आइस गॉड से लड़ पाऊंगा। यहाँ पे कौन है भाई, ये ले प्लेन कैच कर, सारे के सारे प्लेन को मैं तबाह कर दूंगा। जितने मिलिट्री बेस वालों के पास प्लेन से सब के सब मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा और मेरी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसी बस ये बढ़ती रहे और बहुत ही खतरनाक हो जाए तो मैं सबको और मुझे बहुत ही खतरनाक शक्तियां भी मिल जाएगी। यहाँ पे तो मैंने सारे प्लेन तबाह कर दिए, यहाँ पे एक और प्लेन आ गया, चलो इसको भी तबाह कर देते हैं। आओ आओ मिलिट्री वालों, मैं डरता नहीं हूँ, इनकी छोटी मोटी गाड़ी से बिल्कुल नहीं डरता। ये हेलीकॉप्टर लिया और ये इसी के ऊपर फेंक दिया। हाँ भाई साहब क्या ही मजा। तो गाइस अब वो वक्त आ चुका है जब मैं उस सबसे बड़े प्लेन को उठाने का ट्राई करने वाला हूँ। इस कार्गो प्लेन को मैं उठाऊंगा और ये मैंने उठा लिया। यस, अरे इसका विंग्स तो टूट ही गया पर कोई बात नहीं, इस प्लेन को मैंने उठा लिया। मेरी स्ट्रेंथ इतनी हो चुकी है कि मैंने इस प्लेन को उठा लिया, यानी अब मैं उस आइस गॉडज़िला से भी लड़ सकता हूँ। ये पुलिस वाले चिरकुट इधर क्यों आ रहे भाई, मैंने प्लेन उठाया इतना बड़ा, तुम क्या ही चीज हो। गाइस मेरी स्ट्रेंथ देखो तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है, अब बस मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ और चुकी है फिर मैं अलग ही लेवल पर अपग्रेड होने वाला हूं। जब तक इन पुलिस वालों को थोड़ा मार लेते इधर उधर, ये मेरी पीठ पे गोली मारे। हाँ मार मार मार, वैसे भी थोड़ी खुजली हो रही थी पीठ पे। चल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुजली करी, चलो अब निकल यहां से। अब टाइम हो चुका है अपग्रेड होने का, हमारी स्ट्रेंथ और ये फुल हो गई बस, और ये पूरी पूरी फुल हो चुकी है। और गाइस यार मैं हो चुका हूँ फाइनली खतरनाक लेवल पे अपग्रेड। अब मैं उस आइस गॉडज़िला से सीधे जाके लड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब तो हमने प्लेन भी उठा लिया, सबसे लड़ भी लिया और हमारी स्ट्रेंथ का बार भी फुल हो चुका है। तो अब लगता है टाइम आ चुका है उस आइस गॉडज़िला से लड़ने का। इस लॉस सैंटोस पर मैं राज करूंगा, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर दूंगा। अबे ऐसे कैसे तबाह कर देगा, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं अभी अभी प्लेन को उठा के आया हूँ, तू क्या चीज है, अब इसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला। अबे मर भी गया क्या, अबे ये क्या कमजोर था, अबे उठना, अबे मर भी गया। ऐसे थोड़ी ना, इतनी जल्दी नहीं, जब तक लॉस सैंटोस पर कब्जा नहीं कर लेता मैं नहीं मरने वाला। अबे तेरे को कब्जा करने कौन देगा, ये ले। अरे मुझे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा, पैर में गुलगुली हो रही है। अच्छा बिल्कुल हो रही, ये इसके मेरे को पता चल गया, इसकी मैं पूछ पे मारूंगा तो ये मरेगा, आया ना मजा। ये ले, और इसका आखिरी मेरा मूव, और ये हो चुका है बेहोश। क्या हो गया भाई, लॉस सैंटोस पे कब्जा करने वाला था ना, और गाइस यार ये तो यहीं पे गिर चुका है। मुझे लगता है इसकी स्टोरी हो चुकी खत्म। एम्बुलेंस वालों इधर आओ, इसकी मदद करो। अरे मैंने एम्बुलेंस को ही फेंक दिया, चलो कोई बात नहीं, मदद कर लेना बाद में। तो गाइस यार अभी मैंने आइस गॉडज़िला को खत्म कर दिया, मतलब मैं बन चुका हूं सबसे खतरनाक वाला हल्क। तो गाइस यार आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर चैनल फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं भी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।